हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप देख सकते हैं यह दीक्षाभूमि का प्लेस है और आप थंबनेल देखकर और टाइटल से समझ ही गए होंगे आप जिसकी अपेक्षा करते थे उसका शुभारंभ यहां हो चुका है। आप मेरे पीछे में देख सकते हैं ये जो इतना उत्खनन हुआ है यह दीक्षाभूमि के परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। यहाँ पर अत्याधुनिक जो सुविधाएँ हैं वो चाहिए थी, जिसकी ज़रूरत थी, जैसे शौचालय वाशरूम वगैरह यहाँ पर चाहिए था, तो उसका शुभारंभ यहाँ पर हो चुका है। और आप जब भी यहाँ पर दीक्षाभूमि आए होंगे तो आपने देखा होगा कि दीक्षाभूमि के परिसर में धूल बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर बाबा साहेब और भगवान बुद्ध के जो विचारों के समर्थक है वो साल भर यहाँ लाखों की संख्या में आते हैं, लेकिन उनको धूल का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्खनन हो चुका है और उसका शुभारंभ हो चुका है, तो हम आपको बताते हैं इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट। दोस्तों, यह जो यहाँ पर खोदकाम हो रहा है दीक्षाभूमि के सामने में, यहाँ पर अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जाएगी। यहाँ पर दो जगह पर खोदकाम किया जा रहा है, एक यहाँ पर है और एक उसके साइड में वहाँ पर भी है। तो ये जो खोदकाम हो रहा है, इस खोदकाम का मकसद यह है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जाएगी। उसी पार्किंग के ऊपर में यहाँ पर धम्म दीक्षा का यहाँ पर स्टेज बनाया जाएगा और उसी स्टेज के बाजू में रूम्स रहेंगी, वहाँ पर जो यहाँ पर बौद्ध अनुयायी आते हैं उनके आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए वहाँ पर रूम बनाई जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितना भव्य यहाँ पर पार्किंग स्थल बनने जा रहा है, जो कि यह अंडरग्राउंड पार्किंग रहेगा। आप देख सकते हैं 15 से 20 फुट गहरा खोदे हुए हैं। जब यहाँ पर अंडरग्राउंड पार्किंग हो जाएगा दोस्तों, और ऊपर में आराम करने के लिए, बौद्ध अनुयायियों के लिए रूम्स बनाए जाएंगे और धम्म दीक्षा के लिए यहाँ पर जो टेम्पररी स्टेज लगता है इस जगह पर साइड में, दीक्षाभूमि के राइट साइड में, तो वह स्टेज उसी पार्किंग के ऊपर में बनाया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि कम जगह में हमें 3-3 सुविधाएँ मिल जाएगी, एक पार्किंग स्थल और जो बौद्ध अनुयायी आएंगे उनको आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए जगह मिल जाएगी, और तीसरी बात है कि धम्म दीक्षा का जो स्टेज होता है वो उसी के ऊपर बनाया जाएगा। तो आपको यह वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी दोस्तों। दोस्तों, आप सामने में देख सकते हैं यह वेंटिलेशन। तो यह जो वेंटिलेशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये रिनोवेट हो जाएंगे। जिस तरह से ये तिरसे हैं, तो जब ऊपर से पानी गिरता है तो इसके ऊपर गिरता है और अंदर की ओर जाता है, तो इसको फिर से रिनोवेट किया जाएगा, फिर से दूसरे बनाया जाएगा। और ये जो स्पेस देख रहे हैं दीक्षाभूमि के किनारे में, साइड में ये जो स्पेस देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन, तो यहाँ पर गार्डन जैसा बनाया जाएगा, यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और ये जो दीवार दिख रही है आपको, इस दीवार के ऊपर में यहाँ पर लोहे की ग्रिल लगाई जाएगी इस जगह से, तो इस तरह से यहाँ का भी सौंदर्यीकरण होगा। आप ये देख सकते हैं कंडीशनर, एयर कंडीशनर विंडोज़, एयर कंडीशन विंडोज़, इसको फिर से तोड़कर नया बनाया जाएगा। और सामने में जो भिक्खु निवास है वो वहाँ से इधर में, इधर की ओर किया जाएगा, जहाँ पर अभी खोदकाम हो रहा है। दोस्तों, सामने में आप जो दीवार देख रहे हैं, उस दीवार के किनारे से यहाँ पर रेलिंग की जाएगी, लोहे की रेलिंग लगाई जाएगी यहाँ से। दोस्तों, आप जो सामने में देख रहे हैं, ये दीक्षाभूमि का फ्रंट वाला गेट है। इस तरह से जो चारों गेट है वो रिनोवेट होने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस गेट को यहाँ से तोड़ा जाएगा इनको, और नए गेट बनाए जाएंगे जिस तरह से इंजीनियरों ने इसके बारे में जानकारी दिए हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ दीक्षाभूमि के परिसर का रिनोवेट किया जाएगा, सौंदर्यीकरण किया जाएगा। फ्रेंड्स, दीक्षाभूमि के विकास के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी है। अगले 2 वर्षों में दीक्षाभूमि को नया स्वरूप मिलेगा। उसके चलते हरियाणा गुड़गांव के YFC BBG कंपनी को यह रिनोवेशन का काम दिया गया है। साथ ही इस विकास कामों के लिए 130 करोड़ रुपये का कार्यादेश भी जारी कर दिया गया है। 67वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के मौके पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षाभूमि के अध्यक्ष भदंत नागार्जुन सुरई ससाई को 70 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया गया है।
फ्रेंड्स, धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर होने वाले धम्म दीक्षा कार्यक्रम के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग के ऊपर एक बड़ा मंच स्टेज बनाया जाएगा। साथ ही बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए विश्राम कक्ष भी बनाया जाएगा। अंडरग्राउंड पार्किंग में 400 कारों, 1000 दुपहिया वाहनों और 1000 साइकिलों के लिए पार्किंग की सुविधा होगी। दीक्षा भूमि के मुख्य स्तूप के प्रवेश द्वार का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा, मतलब जो दीक्षा भूमि के 4 गेट लगे हुए हैं वह फिर से रिनोवेट किए जाएंगे। प्रवेश द्वार की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। स्तूप का डिजाइन सांची के विश्व प्रसिद्ध स्तूप की वास्तुकला पर आधारित है। दीक्षा भूमि स्तूप के चारों ओर सांची के स्तूपा जैसा परिक्रमा पथ बनाया जाएगा। सांची के स्तूपा में भी स्तूपा के बाहर परिक्रमा पथ बनाया गया है। इसके बगल में एक खुला हॉल होगा। दीक्षा भूमि का पूरा क्षेत्र फूलों वाले पेड़ों और हरियाली से आच्छादित होगा। फ्रेंड्स, इस दीक्षा भूमि के विकास के लिए दीक्षा भूमि की परिसर की 22.80 एकड़ भूमि का उपयोग किया जाएगा। साथ ही अलग से परिक्रमा मार्ग के लिए दीक्षा भूमि के पास केंद्रीय कपास सुधार संस्थान की 3.84 एकड़ जमीन का भी अधिग्रहण किया जाएगा। पूरे 200 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य किए जाएंगे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी, इसीलिए दीक्षा भूमि का नाम पूरे विश्व में है। हर साल धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर देश विदेश से लाखों अनुयायी दीक्षा भूमि पर आते हैं। इस मौके पर अनुयायियों की भीड़ और उसकी तुलना में बुनियादी सुविधाओं की कमी को देखते हुए लोगों को काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर एक ही दिन में लाखों देश विदेश से बौद्ध अनुयायी यहाँ पर आते हैं और साल भर भी, मतलब 365 दिन देश विदेश से लाखों बौद्ध अनुयायी दीक्षा भूमि में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अभिवादन करने आते हैं। दीक्षा भूमि के महत्व को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दीक्षा भूमि को 2016 में डॉक्टर बाबा साहेब की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में दीक्षा भूमि को ए श्रेणी पर्यटक स्थल का दर्जा दिया है। इसे अब विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की जिम्मेदारी NIT यानी नागपुर सुधार प्रन्यास को सौंपी गई है। दोस्तों, यह दीक्षा भूमि के सामने वाली फ्रंट वाली रोड है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट की जो व्हीकल्स है वो खड़ी है इस बाउंड्री के बाहर में रोड पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साइड में जो है ये पार्किंग स्थल है। दीक्षा भूमि के सामने में यहाँ अभी टेम्प्ररी पार्किंग स्थल बनाया गया है और आप सामने में व्हीकल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर परमानेंट स्टैंड नहीं है, ये टेम्प्ररी है और ये अभी फ़िलहाल यहाँ पर लगाया गया है जो दीक्षा भूमि के सामने में है। जब यहाँ पर धम्मचक्र प्रवर्तन दिन का जो यहाँ पर उत्सव होता है उस दिन यहाँ पर ये जो पार्किंग स्थल है यहाँ पर नहीं होता है, इसको यहाँ से हटा दिया जाता है। लेकिन लाखों अनुयायी जब यहाँ पर दीक्षा भूमि में आते हैं बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए, तो जो ये व्हीकल्स है वो पूरी असुरक्षित कहीं ना कहीं लगाई दी जाती है। दीक्षा भूमि के बाहर में जहाँ पर भी जगह मिलती है वहाँ पर लगा दी जाती है, उससे उनका नुकसान हो सकता है, कोई भी चोरी कर सकता है। तो इसकी सुविधाएँ यहाँ पर बनाई जाएगी जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और आप दीक्षा भूमि के साइड में देख सकते हैं ये जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, यह जो सामने में कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके बैरिकेड्स हैं ये लगे हुए हैं। और अंदर की ओर चलते हैं हम, तो ऐसे लगे हुए हैं बड़े बड़े स्टैंड बैरिकेड्स। तो इसके साइड में आप देख सकते हैं अंदर में काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर खोदकाम हुआ है, लगभग 15 से 20 फुट तक यहाँ पर खुदाई हुई है। आप देख सकते हैं अब जो देखेंगे तो ये 15-20 फुट अंदर गहरा गड्ढा इस तरह से किया गया है। आगे में देख सकते हैं आप कि यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं और उत्खनन का काम चालू है। सामने में JCB और ट्रक देख सकते हैं आप, और जो मजदूर हैं वो देख रहे होंगे आप। दोस्तों, यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था सामने में ना होने से यहाँ देख सकते हैं वहाँ पर एक जो आए हैं विजिटर्स वो उधर शौचालय करने चले गए थे। तो इस तरह का तो असुविधा के अभाव से यहाँ पर ये ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी के लिए बांधकाम का शुभारंभ हो चुका है। तो आप देख सकते हैं
दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे में ये सभी जगह यहाँ पर खोद काम हो चुका है दीक्षा भूमि के परिसर में। आप इधर में देख सकते हैं और ये इधर में भी खोद काम हो चुका है। 10-10 फीट गड्ढा गहरा हो चुका है, आप यह देख सकते हैं। दीक्षा भूमि के पूरे आजू बाजू में यहाँ पर खोदकाम हो चुका है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कामगार यहाँ पर काम करते हुए। दोस्तों दीक्षा भूमि के परिसर में आप जो खोदकाम देख रहे हैं, जो मैंने आप अभी तक जो भी क्लिप दिखाया है उसके बारे में विस्तृत जानकारी सर देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो खोदकाम हो रहा है उसी के प्रमुख हैं। नहीं हुआ तो लोगों को असुविधा ही होगी, नहीं क्योंकि नहीं, आपने जो 15-20 फुट गहरा गड्ढा किए हैं तो वो असुविधा प्रदान करेगा, तो वो कवर हो जाएगा ये बोल रहे हैं। ये तो कोशिश हमारी रहेगी, 100% कोशिश है हमारी कि इसके पहले ही कंप्लीट हो जाए। जो पार्किंग का स्थल जो है वो अभी टेम्पररी है, अगर आप देखे होंगे कि यहाँ पर धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के दिन लाखों लोग आते हैं और अपनी जो व्हीकल्स है 2-व्हीलर्स 4-व्हीलर्स ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पर सुरक्षा नहीं होती, तो वहाँ चोरी का डर रहता है, लेकिन वो अगर बन जाए तो आप लोगों को सुविधाएं मिल जाएंगी। रही बात दूसरी पीछे की कि यहाँ जो शौचालय है वो एक ही छोटा सा शौचालय है, और उस शौचालय की वजह से काफ़ी लोगों को असुविधाएँ होती है। जैसे बाहर से आने वाला व्यक्ति पहले स्नान करेगा, फ्रेश होगा, फिर दीक्षा भूमि में जाएगा, लेकिन वहाँ असुविधा होने की वजह से उसकी भी व्यवस्था हो रही है जी। हाँ, एक टॉयलेट में है। अच्छा, वो है इस साइड में, एक ओपन थिएटर आने वाला है। हाँ हाँ हाँ। स्टेज आने वाला है। अच्छा। बाकी रिडेवलपमेंट का पूरा प्रोग्राम है यहाँ पे, सैंडस्टोन का काम होने वाला है पूरा। ये जो गेट है ये पूरे डिसमेंटल होके नए गेट बनेंगे। कौन से वाले? ये वाले पूरे गेट डिसमेंटल होंगे। दोस्तों आप जो यह गेट देख रहे हैं दीक्षा भूमि के पीछे वाला गेट है, बैक साइड का, तो इस तरह के जो गेट्स लगे हैं चारों गेट इसी दीक्षा भूमि में वो चारों गेट रिनोवेट होने वाले हैं। तो ये किस तरह के गेट बनने वाले हैं? ये सैंडस्टोन के गेट रहेंगे। सैंडस्टोन के गेट बनेंगे। अच्छा, इसी डिजाइन में रहेगा जैसे सांची स्तूप में जैसे बने हुए हैं। अच्छा, सांची के जैसे बने, उसी का रेप्लिका यहाँ पे बनाने वाले हैं हम लोग। अच्छा, साथ में परिक्रमा मार्ग रहेगा पूरा चारों तरफ से, जो भी दर्शनीय आएंगे यहाँ पे वो परिक्रमा मार्ग के ऊपर में पूरा परिक्रमा कर सकेंगे चारों साइड से। अच्छा अच्छा, उसका भी है, और साथ में लैंडस्केपिंग का कुछ पार्ट रहेगा। अच्छा अच्छा, जिसमें प्लांटेशन रहेंगे पूरे, तो बैठने की सुविधा वगैरह भी रहेगी लोगों। बराबर बराबर, मतलब यहाँ पर जो दीक्षा भूमि के परिसर में जो भी धूल उड़ती है, धूल तो अभी हमारे काम की वजह से उड़ रही है, नहीं नहीं अदरवाइज अभी नहीं होगा। नहीं, जब यहाँ पर धम्म चक्र प्रवर्तन दिन होता है उस दिन धूल बहुत उड़ती है। जी जी, बराबर। तो यहाँ पर क्या ग्रीन ग्रास लगाई जाएगी? ग्रास रहेगी, पूरा लैंड डेवलपमेंट होगा आजू बाजू का पूरा। अच्छा अच्छा, कहीं पे पेविंग ब्लॉक्स रहेंगे, उसके बाद में कहीं कहीं ओपन जो जगह रहेगी वहाँ पे प्लांटेशन रहेगा पूरा। अच्छा ठीक है, तो दोस्तों आपने यह महत्वपूर्ण जानकारी सुन ली है और समझ ली है, थैंक यू सर आपका, थैंक यू वेरी मच जानकारी देने के लिए, थैंक यू। दोस्तों इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर दीक्षा भूमि के परिसर में रिनोवेट और सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो गया है, और आपने देखा कि इंजीनियरों ने इस बारे में जानकारी विस्तृत दे दी है। और अगर आप चाहते हैं कि दीक्षा भूमि का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, यहाँ पर जो असुविधाएँ हैं वो सुविधाएँ प्रदान हो जाए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। आने वाले अगले धम्म चक्र प्रवर्तन दिन तक यहाँ पर जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो कम से कम को मिल जाए। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आप लोग क्या नहीं चाहते कि दीक्षा भूमि का सौंदर्यीकरण होना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।